दोस्तों, रोहित शेट्टी डायरेक्टेड फिल्म सिंघम अगेन इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। इस फिल्म के चर्चा में होने की मुख्य वजह इसकी स्टार कास्ट है। सिंघम अगेन में अजय देवगन के साथ करीना कपूर खान, रणवीर सिंह, अक्षय कुमार, दीपिका पादुकोण, टाइगर श्रॉफ और अर्जुन कपूर नजर आएंगे। कॉप यूनिवर्स की इस पांचवी फिल्म को रोहित शेट्टी अपने करियर की सबसे बड़ी फिल्म के तौर पर बना रहे हैं। फिल्म में अजय देवगन पिछली दो किस्तों की तरह अपने बाजीराव वाले किरदार को आगे बढ़ाएंगे। हालांकि इस फिल्म में सिंघम का प्रमोशन हो गया है, अब वो DCP हो गए हैं। अजय इस मल्टी स्टार कास्ट को लीड कर रहे हैं। उनके साथ ही कुछ ऐसा घटने वाला है जिसमें उनकी मदद करने के लिए एक्टर की फौज बुलाई गई है। बता दें कि रणवीर सिंह की सिम्बा में पोस्ट क्रेडिट सीन में सूर्यवंशी के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया था। 2021 में वीर सूर्यवंशी के किरदार को स्टैंड अलोन फिल्म मिली सूर्यवंशी। अजय देवगन और रणवीर सिंह के बाद रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स का यह तीसरा कैरेक्टर था। जैसे सूर्यवंशी में इन तीनों पुलिस वालों का कैमियो किया गया था, सिंघम अगेन में भी कुछ वैसा ही होने वाला है। रोहित शेट्टी ने अजय देवगन के बाद रणवीर सिंह को अपने पुलिसिया यूनिवर्स के लिए चुना था। रणवीर सिंह इस फ्रेंचाइजी में संग्राम भालेरा उर्फ सिम्बा का रोल करते हैं। फ्रेंचाइजी की शुरुआत साल 2011 में हुई थी। उसके बाद पिछले 13 सालों में इस फ्रेंचाइजी में 4 फिल्में बन चुकी है। वही पांचवी फिल्म सिंघम अगेन है। बता दें, जॉकी श्रॉफ का कैरेक्टर सूर्यवंशी से जुड़ा होगा, जबकि सिद्धार्थ जाधव का रोल सिम्बा के साथ कनेक्टेड होगा। सिंघम अगेन की रिलीज डेट 15 अगस्त है। वैसे दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड इस फिल्म के लिए कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ऐसी ही फिल्मों से रिलेटेड मजेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।